नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वही दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर करीब 15 बड़ी खबरों की बात करेंगे। उससे पहले सबसे बड़ी खबर है जो महाराष्ट्र की सियासी राजनीति से सामने आ रही है। आज सामना मुखपत्र के अंदर संजय राउत के द्वारा कई बड़े बयान भी दिए गए मोदी सरकार को लेकर। तो वहीं उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए सामना में ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना सरकार के खिलाफ बीजेपी की पूर्व सरकार बड़ा ऑपरेशन चलाने की कगार पर है, जिसके अंदर उद्धव ठाकरे की MBA गठबंधन भी टूट सकता है, जिसकी सबसे बड़ी मीडिया सूत्रों के हवाले से खबरें भी सामने आ रही है। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के पूर्व CM है, वो लगातार ये बयान भी दे चुके हैं कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे शिवसेना सरकार को बड़ा झटका दिया जाएगा। दूसरी ओर महाराष्ट्र में शिवसेना के नेताओं के द्वारा कांग्रेस को भी काफ़ी ज़्यादा लेकर फटकार और बयानबाजी शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से सोनिया गांधी उद्धव ठाकरे से काफ़ी ज़्यादा नाराजगी भी जाहिर कर रही है, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। क्योंकि BMC के चुनाव भी आने वाले हैं 2021 के अंदर, और इस BMC के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी ने पहले से ही फैसला कर लिया है अलग से चुनाव लड़ने का, जिसके बाद में लगातार MBA गठबंधन के अंदर भूसाल आ गया है। वहीं शरद पवार भी BJP के अंदर जाने का ऐलान कर चुके हैं, और आज सुशांत सिंह राजपूत को लेकर गृह मंत्री ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि जल्द से जल्द CBI की टीम खुलासा करे, ताकि इस बात के बयान सामने आ चुके कि आखिरकार हुआ क्या था। वहीं दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर है किसान आंदोलन को लेकर। मोदी सरकार के साथ में किसानों की इमरजेंसी बैठक में बड़ा फैसला, और किसानों ने समर्थन दे दिया है कृषि कानून बिल के इस 3 बिलों को लेकर, और समर्थन को ख़त्म करने का ऐलान भी कर दिया गया है। क्योंकि आज ये करीब 8वीं बार किसान बैठक थी किसानों के साथ में, और इस बीच में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थन में किसानों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है, और किसान आंदोलन को ख़त्म करने का ऐलान भी कर दिया, जो सबसे बड़ी दिल्ली और पंजाब के बॉर्डर से खाली होते हुए सड़कें नज़र भी आ रही है। वही दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर है महाराष्ट्र की सियासी राजनीति से एक और बड़ी है कि शरद पवार को UPA अध्यक्ष बनाए जाने और उनको लेकर दिए संजय राउत के द्वारा बयानों के बाद में अब सरकार ने खुद ब खुद उनको घेरना शुरू कर दिया कि आखिरकार शरद पवार जब NCB के साथ में थे और जब शिवसेना पार्टी की BJP के साथ में सरकार थी, तो उस समय लगातार वो उन पर कई बार बयान भी दे चुकी थी शरद पवार पर, लेकिन अब गठबंधन करने के बाद में वो अपने सुर बदलते हुए नज़र भी आ रही है। वहीं दोस्तों, चौथी बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर, जो किसानों की आड़ में एक बड़ी साजिश और सरकार को झुकाने की जो कोशिश की जा रही थी, उसके चलते गृह मंत्री अमित शाह ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर बड़ा एक्शन ले लिया, और अब प्रियंका गांधी वाड्रा को किसानों ने भी दौड़ा दौड़ा कर वहां से भगा दिया गया। कृषि कानून बिल के अंदर समर्थन करने के लिए पहुंचे थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, और भागते हुए नजर का वीडियो भी सामने आ रहा है, जो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, कि किस प्रकार से किसानों ने मीडिया वालों और राहुल गांधी को वहां से खदेड़ दिया गया है। वहीं दोस्तों, बड़ी खबर की बात करें तो पश्चिमी बंगाल से ममता बनर्जी को लेकर है। गृह मंत्री अमित शाह और BJP पार्टी ने अपना डेरा जमा दिया है पश्चिमी बंगाल के अंदर, और ममता बनर्जी की पूरी तरह से TMC पार्टी हिल चुकी है। और ये भी बड़ा बयान है कि जो TMC के सांसद और नेता जो BJP पार्टी का दामन थाम कर शामिल हो रहे हैं, उनके ऊपर ममता बनर्जी के कार्यकर्ता और उनके पार्टी के नेता लगातार कुछ बड़ा करने की कोशिश में नजर आ रहे हैं, यहाँ तक कि उनको Y+ की सिक्योरिटी भी दी जा रही है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। क्योंकि इस बार TMC के चुनाव में ममता बनर्जी को बड़ी ही हार का मुंह देखना पड़ सकता है, इसी वजह से महागठबंधन करने का बड़ा बयान सामने आ रहा है मीडिया सूत्रों के हवाले से, कि शरद पवार के द्वारा दिए गए बयान के बाद ममता बनर्जी भी महागठबंधन को लेकर चिंतित नजर आ रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर दोस्तों, महागठबंधन को ताकत दिखाने वाली BJP पार्टी पूरे देश में एक बड़ी पार्टी बनकर उभर गई है। वही अरुणाचल के अंदर अभी हाल ही में हुए चुनाव और आज जो रिजल्ट आए थे, उनके ऊपर भी BJP पार्टी की बड़ी जीत हासिल की है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने किसानों की आड़ में जो साजिश रची थी,
वो साजिश पूरी तरह से नाकाम और फेल हो चुकी है। इसी वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर भी भाजपा पार्टी को करीब 90 सीटें आई और गुपकार गैंग और महागठबंधन की सीटों में अगर देखा जाए तो 100 सीटों पर करीब 10 पार्टियों को 10-10 सीटों का सामना करना पड़ा। इसकी वजह से महागठबंधन की जीत जरूर हासिल हुई है लेकिन भाजपा पार्टी ने अकेले की दम पर करीब 90 सीटों पर कब्जा जमा दिया। इसी वजह से अब महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि हैदराबाद से लगाकर कई बड़े राज्यों के अंदर भाजपा पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर उभर कर सामने आ गई है और इसी पार्टी की वजह से लगातार 800 दिन ओबीसी से लगाकर महाराष्ट्र के एमवीए गठबंधन के दिग्गज नेता भी अब डरने लग चुके हैं और उन्होंने भी इस बात को मानते हुए कहा कि अगर महागठबंधन और पश्चिमी बंगाल के अंदर अगर ममता बनर्जी को जीत हासिल करनी है अगर तीसरी बार तो शरद पवार से उनकी राय लेनी चाहिए क्योंकि अब शिवसेना की पार्टी शरद पवार नेतृत्व में काम कर रही है और शरद पवार 50-50 के फॉर्मूले का बयान सामने आ रहा है। जिस प्रकार शिवसेना ने भाजपा पार्टी के साथ में जो बड़ा गेम खेला था वही गेम अब शरद पवार खेलते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि अजीत पवार ने पहले भी बयान दे दिया है जिसकी वजह से अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिए गए थे लेकिन अब शरद पवार ने मुख्यमंत्री बनने का मुंह बना लिया। इसी वजह से अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना एमवीए सरकार बड़े संकट के अंदर आ पहुंची है। वहीं बीजेपी पार्टी को एक और बड़ा झटका ये भी लगा है। हनुमान बेनीवाल के द्वारा बीजेपी पार्टी का दामन तोड़ दिया गया। एनडीए जो गठबंधन था केंद्र सरकार के साथ में किसानों के समर्थन में कल पंजाब के बॉर्डर से हनुमान बेनीवाल ने करीब 2 लाख राजस्थान के किसानों के साथ दिल्ली कूच करने का ऐलान किया था और मध्य रात्रि के बाद में उन्होंने पार्टी का गठबंधन तोड़ दिया था। दूसरी ओर आठवीं बड़ी खबर ये भी दोस्तों है कि हनुमान बेनीवाल के गठबंधन तोड़ने के बाद कांग्रेस ने भी बयानबाजी शुरू कर दी है कि हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के अंदर शामिल हो सकते हैं, उनके लिए दरवाजे खुले हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में भी बड़ी बगावत देखने को मिल रही है क्योंकि पिछले 4 महीनों के बाद में एक बार फिर सचिन पायलट जो राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान सीएम अशोक गहलोत के बीच में खींचातानी देखने को मिली है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी से बीटीपी के 2 विधायकों के द्वारा समर्थन वापस ले लिया गया है। इसी वजह से भाजपा पार्टी एक बार फिर राजस्थान के अंदर बड़ा ऑपरेशन भी चला सकती है कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिराने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से खबरें सामने आ रही है कि फिलहाल में महाराष्ट्र के अंदर बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और आने वाली इस खबरों के अंदर भी कुछ बड़ा बयान सामने आने की पूरी तैयारियां जताई भी जा रही है। वही दोस्तों 10वीं बड़ी खबर है अर्णव गोस्वामी को लेकर। टीआरपी घोटाले स्कैम को एक बार फिर हवा देनी शुरू कर दी है शिवसेना और उद्धव ठाकरे की एमवीए गठबंधन की सरकार ने और अर्णव गोस्वामी को एक बार फिर अंदर भेजने की तैयारियों में जुट चुके हैं उद्धव ठाकरे क्योंकि परमवीर सिंह ने बड़ा बयान और खुलासा करते हुए टीआरपी स्कैम घोटाले के अंदर एक बार फिर अर्णव गोस्वामी पर याचिका को दाखिल किया गया है मुंबई पुलिस के द्वारा, जिसके बाद में गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर विपक्ष की पार्टियां लगातार बयान भी दे रही है। वही दोस्तों 11वीं बड़ी खबर ये भी है सामने कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी से गठबंधन तोड़ने के बाद और इससे पहले अकाली दल पंजाब के द्वारा भी एनडीए से गठबंधन को तोड़ दिया गया था, जिसके बाद में लगातार सियासी उठापटक की खबरें सामने हैं और भाजपा पार्टी के नेताओं के द्वारा जो डिबेट के अंदर बयान दिए जा रहे हैं उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने बड़ी बयान देते हुए ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि हनुमान बेनीवाल का जब केंद्र के अंदर समर्थन था तब वो एक बड़े सांसद थे लेकिन जब उन्होंने गठबंधन तोड़कर आवाज़ खिलाफ उठानी शुरू कर दी तो अब उन्हें भी बीजेपी पार्टी बैकफुट पर लाने की योजना बना चुकी है और इसी वजह से हनुमान बेनीवाल को इस बात का पता चल चुका था और कांग्रेस पार्टी के अगर हनुमान बेनीवाल शामिल होते हैं तो उनका बड़ा स्वागत है। लेकिन जो महाराष्ट्र की राजनीति और शरद पवार और उद्धव ठाकरे के गठबंधन की सरकार में जो आज सामना मुखपत्र के अंदर कई बड़े बयान सामने आ चुके हैं, इसी वजह से लगातार सामना मुखपत्र के अंदर बीजेपी के खिलाफ में संजय राउत के द्वारा मोर्चा खोलकर रख दिया गया। वहीं लोकसभा की कार्रवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को वहां से खदेड़ दिया गया लोकसभा के अंदर से बीजेपी के नेताओं के द्वारा, जहां एक और संसद के अंदर
संजय सिंह मोदी के खिलाफ में बयानबाजी कर रहे थे जब पीएम मोदी लोकसभा भवन के अंदर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने किसानों के आंदोलन में कई बड़े बयान देते हुए वो आंदोलन और विरोध भी कर रहे थे, लेकिन मोदी के वहां पहुंचते ही संजय सिंह को वहां से खदेड़ दिया गया भाजपा के कार्यकर्ता और नेताओं के द्वारा। और अब ऐसा ही अस्त्र कांग्रेस पार्टी का होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लेकर बयान ये साफ हो चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है, और अब कांग्रेस पार्टी को ऊपर उठाने के लिए बड़ी ही मकसद करनी होगी, अन्यथा कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुकी है। भले ही उनकी हर एक राज्यों के अंदर, कई राज्यों में उनकी सरकार हो कांग्रेस पार्टी की, लेकिन उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो बीजेपी पार्टी का खुलकर सामना कर सके, क्योंकि बीजेपी पार्टी ने के द्वारा अब ऑपरेशन पर ऑपरेशन शुरू कर दिए गए। इसी वजह से अब भाजपा पार्टी पूरी तरह से एक मजबूत पार्टी बनकर उभर चुकी है और कांग्रेस को तहस नहस करने की पूरी तरह से प्रभावी रणनीति बना चुकी है, क्योंकि कांग्रेस को लेकर महागठबंधन भी चिंतित है और महागठबंधन से कांग्रेस गठबंधन भी नहीं करना चाह रही है, क्योंकि जिनकी उन राज्यों के अंदर पकड़ थी वो भी राज्यों के अंदर ढीले पड़ती हुई नज़र आ रही है। यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रियंका गांधी वाड्रा को पूरी तरह से खदेड़ कर रख दिया है और वो वापस पहुँचने ही नहीं दिया जा रहा है, और कांग्रेस के समर्थन में रैली हो रही है उसको भी खारिज कर दिया जाता है। इसी वजह से प्रियंका गांधी वाड्रा भी पूरी तरह से बौखलाई हुई नज़र आ रही है, और दिल्ली कूच के समय भी दिल्ली पुलिस और गृहमंत्री अमित शाह के एक्शन के बाद में उनको हिरासत में भी ले लिया गया था, और बैठकें भी लगातार चल रही है। कांग्रेस में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अंदरूनी कलह सामने आ रही है। मिलते हैं नए अपडेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।